MCT India। जाहिर तौर पर उनके समर्थक तो यही बात कह रहे हैं कि उनके साथ उनका अपमान हो रहा है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर गौर से आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी तल्खियत है दिग्विजय सिंह के बयान में। अब इस बात के, जिसे हम कहें ना कि सामने वाले को जताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमने आपको क्या नहीं दिया, यानी कांग्रेस ने कमलनाथ को क्या नहीं दिया। कांग्रेस ने उनको PCC का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने उनको AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाया, कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, यानी पार्टी ने क्या नहीं दिया। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर आप जाने जाते हैं, और अभी भी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पार्टी के लोग और वो खुद लगातार कमलनाथ से बातचीत कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह मानते हैं कि कमलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो आसपास जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है, जबकि दिग्विजय सिंह उनके पार्टी के कोलीग होने के साथ साथ उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इसके पहले दोनों ने कई मंचों से अपनी दोस्ती की नुमाइश भी दोनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कर चुके हैं। इसके बाद उनके साथ वाले मगर कमलनाथ के जो कह रहे हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कमलनाथ नाराज़ हैं, राज्यसभा टिकट की भी बात हो रही है, और दिग्विजय सिंह ने अभी एक इशारा और कर दिया बड़ा कि बीजेपी के जैसे कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर IT और उसका दबाव है। लेकिन ये समझने की भी जरूरत है कि अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि ED और CBI का डर है, प्रियंका मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई है, प्रियंका शायद हो सकता है कि इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो। 2019 का वो मामला जिसमें रतुल पुरी जो भांजे हैं कमलनाथ के, उनके ऊपर CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी, गिरफ्तार किया गया था रतुल पुरी को, फिलहाल अभी जमानत पे चल रहे हैं। लेकिन 2023 में उन्हीं के दोस्त नितिन भटनागर को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया, तो हो सकता है कि वो डर अभी भी कायम है। और हो तो ये भी सकता है अनुपमा, जो बातचीत लगातार कांग्रेस के समर्थक उनके कर रहे हैं कि उपेक्षा उनकी की जा रही है। देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो नकुल नाथ का जो करियर है अब वो अहम है कमलनाथ के लिए भी। अब सांसद हैं वो छिंदवाड़ा से, और उनके आगे की ज़िंदगी कैसे रहती है, एक पिता के तौर पर जाहिर तौर पर कमलनाथ की चिंता इसको लेकर भी होगी। जिस तरीके से उनके समर्थक जो उनके घर के बाहर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि वो भी अपने नेता की तरह ही सोचते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टॉलवर्ट को की कांग्रेस करती जा रही है, और उनको बातचीत होने के बाद भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। ये एक बड़ी फांस जो है वो खुद कमलनाथ के गले में भी अटकी हुई है, उनके तमाम समर्थकों के गले में भी अटकी हुई है, और यही कारण है कि ये अटकलें बहुत तेज हो रही है। जहां पर बीजेपी सूत्रों से ये खबर आ रही है कि नकुलनाथ का बीजेपी ज्वाइन करना लगभग तय है, लेकिन कमलनाथ के नाम पर एक निर्णायक सहमति नहीं बन पा रही है। और जिस तरीके से अभी कमलनाथ रतुल पुरी वाले मामले की रही, तो 2019 में भी ये कदम उठाया जा सकता था कि अगर रतुल पुरी ही मामला होता। कमलनाथ एक बहुत मंझे हुए व्यापारी भी हैं, फायदा नुकसान देखने के बाद ही अगला कदम उठाते हैं। इन सबके बीच में आपको बता दें, सूत्र यह खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बहुत ज्यादा मान मनोवल के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ से खुश भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई, और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। बावजूद इसके बीजेपी में जाने की खबरों पर अब तक कमलनाथ की तरफ से इनकार न किया जाना कांग्रेस को और नाराज कर रहा है, कांग्रेस के आलाकमान को नाराज कर रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूदा वक्त में कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ को मनाने की कोई गंभीर कोशिशें नहीं की जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के मौजूदा रुख को दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी साफ हो गया कि शीर्ष नेतृत्व कोई मान मनोवल नहीं करेगा, अब जो फैसला लेना है कमलनाथ को लेना है। तो कांग्रेस साफ तौर पर यह अब सोचती हुई नजर आ रही है कि मान मनोबल नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कमलनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो जरूर बताएंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है, मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज बने हुए हैं, प्रियंका बनी हुई है। प्रियंका, अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए, अगर कमलनाथ को देखिए क्या फायदा होगा, हर कोई इसी बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके बेटे नकुलनाथ जो है वही अब छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक सीट का ऑफर, यानी कि छिंदवाड़ा सीट का ऑफर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नकुलनाथ को दे दे, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा की है जो वो आज तक नहीं भेद पाई।
और जिस तरीके से हम लगातार बात भी करते हैं एमपी की राजनीति की, मनोज ज्यादा इस चीज को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की जब हम बात करें, 9 बार से सांसद, अपने आप में ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से अब वो नकुल नाथ को वहां से उतार चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लगातार बात करें कि नकुल के भविष्य के लिए ये कदम ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर केंद्र जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ जाने के फायदे ही ज्यादा नजर आते हैं। अभी जब वो घर से निकले, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप मुलाकात कर रहे हैं किसी से, क्योंकि वो घर से तुरंत निकले थे, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी वो किसी के घर पर जा रहे हैं, किसी 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे हैं। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें चल रही हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो डिनायल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कहा कि अगर इस तरीके का कुछ होता है तो मैं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी दूंगा। तो पूरी तरीके से अगर हम कहें तो कमलनाथ जो है बहुत कुछ इशारा कर दे रहा है। प्रियंका, आप तो बातचीत भी कर रही हैं और बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं। हम मनोज का रुख करते हैं। मनोज, आज जो एहसान गिनवाए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह की ओर से, इससे ज्यादा अच्छा होता कि बातचीत की जाती तो स्थिति ऐसी ना आती? वो बातचीत तो कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, पार्टी नेतृत्व उनसे बातचीत कर रहा है, पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है। लेकिन जैसा अभी जो हुआ ना कि दिल्ली में बातचीत करने की कोशिश की और कमलनाथ ने फिर दोबारा अपनी तरफ से कहा कि सबसे पहले आपको बताएंगे, इतना तो तय है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है कि कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, ये सब चलता हुआ कमलनाथ को अच्छा लग रहा है। अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा होता तो जाहिर तौर पर कमलनाथ ये कह चुके होते कि ये सब बकवास है, ऐसा कोई भी पहल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। और कमलनाथ को बीते 5 साल में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बतौर PCC अध्यक्ष और 15 महीने मुख्यमंत्री रहते हुए सारे लोग जानते हैं कि कमलनाथ अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच जो होती है कि कमलनाथ को जो कहना है तो कहना है और नहीं कहना तो नहीं कहना है, तो वो सीधे तौर पर भी ये बात कह सकते थे कि मेरा किसी भी दूसरी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। और फिर उनके समर्थक, मतलब इस स्क्रिप्ट में जैसी हम सुबह से बात कर रहे हैं कि पटकथा में उनके तमाम समर्थक भी हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दीपक सक्सेना जो कि उनके सबसे खास सिपाही सलाह रहे हैं वो वहां पर बैठकर बाकायदा बोल रहे हैं कि कमलनाथ की उपेक्षा हो रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनको राज्यसभा में सोनिया गांधी से बातचीत के बाद भी उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया। तो ये तमाम बातें कमलनाथ चाहते हैं कि हो सकता है ये किसी दबाव की राजनीति का हो, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो।